हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों पटवारी एग्ज़ाम डेट को से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही हैं जो आप सभी को जानना यहां बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो आर एस एम एस एस बी के जो चेयरमैन हैं हरी प्रसाद शर्मा उनकी तरफ से इस चीज़ को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है पटवारी एग्जाम डेट को लेकर और साथ ही ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट के फॉर्म रीओपन को लेकर जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अशोक गहलोत जी के तरफ से बजट पेश किया गया था उसके अंदर कहा गया था कि ईडब्ल्यू के लिए भी फॉर्म खोले जाएंगे और साथ ही जो कैंडिडेट ओवर एज हो है चुके हैं उनके लिए फॉर्म और साथ ही उनकी फी में कटौती की जाएगी पर यहां पर दोस्तों कैंडिडेट को आरक्षण मिलने हुए लगभग दो महीने होने जा रहे हैं पर 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 जो है एग्जाम डेट को लेकर और फॉर्म रीओपन को लेकर यहां पर कोई अपडेट नहीं आई है जैसा कि दोस्तों मैं आपको एक चीज अपडेट करा कि दू पर जो आपकी पटवारी एग्जाम है जो घोषणा की गई थी कि जून या जुलाई में पटवारी परीक्षा होगी और साथ ही उसके बाद में यहां पर उपेन यादव का भी ट्यूट आया था जब वो यहां पर जो है आरएमएस के जो अध्यक्ष चेयरमैन से मिले थे तो उन्हें भी इस चीज को लेकर संभावना जताई थी कि पटवारी की भर्ती है जून जून के महीने में संपूर्ण होने वाली है तो यहां पर दोस्तों अब जो चेयरमैन है उनकी तरफ से इस चीज को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं क्योंकि दोस्तों उनके तरफ से इस चीज़ को लेकर एक बड़ा बयान आया है पटवारी एग्ज़ाम डेट को लेकर यहां पर दोस्तों अब जो पटवारी एग्जाम डेट है इसको लेकर नवंबर और दिसंबर में एग्जाम कराई जा सकती है क्योंकि दोस्तों उनका कहना है कि अभी तक जो किसी प्रक्रिया को लेकर या किसी भर्तियों को लेकर यहाँ पर अभी तक कोई भी बातचीत नहीं की जा रही है सबसे मुसीबत इस चीज़ को लेकर है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से प्रदेश में इस भर्तियों को यहां पर सब चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है और साथ ही अभी से दो से तीन महीने जो है ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट के लिए भी फार्म रीओपन नहीं किए जाएंगे क्योंकि क्यों नहीं किए जाएंगे क्योंकि क्योंकि आप सभी को पता है कि माध्यमिकता बोर्ड टेंथ और ट्वेल्थ और कॉलेज के स्टूडेंटों की एग्ज़ाम कराई जाएगी उसके बाद ही कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर कराई जाएगी तो इसलिए कहीं ना कहीं इस फॉर्म को भी अभी नहीं खोला जा रहा है और साथ ही दो या तीन महीने आपको लगेंगे फॉर्म खोलने के लिए और साथ ही दो से तीन महीने लगेंगे आपको एग्ज़ाम देने के लिए तो यहाँ पर दोस्तों उनका इनडायरेक्टली कहना है कि आपकी जो एग्ज़ाम है नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट हो सकती है अगर इससे जुड़ी हुई हमारे पास और कोई भी अपडेट आएगी तो हम आप तक पूरी अपडेट दे देंगे तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया पसंद आया तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को सब्स्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक ले दोस्तों जय हिंद